नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनी है, तब से देश में दंगा फसाद, हिंसा, घृणा, हत्या और बलात्कार के मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक सर्वे ने नरेंद्र मोदी सरकार के 5 साल के लेखा जोखा में एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया है। इन आंकड़ों में मई 2014 से लेकर अप्रैल 2019 तक का सर्वे शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में कुल अपराधों में 91% की बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। मजेदार बात तो यह भी है कि हाल ही में भ्रामक खबरें फैलाने को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया था। उस स्टडी में उन्होंने साफ दावा किया था कि विभाजनकारी और षड्यंत्रकारी खबरें फैलाने में कांग्रेस और बीजेपी सबसे आगे है। धार्मिक आधार पर हेट क्राइम के कुल 287 मामलों में से 262 मामलों में जनवरी 2009 से अप्रैल 2019 तक 91% की बढ़ोतरी केवल एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही हुई है। फैक्ट चेकर डाटाबेस के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के सत्ता में आने के बाद से हेट क्राइम की 262 घटनाएं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2014 से अप्रैल 2019 तक धार्मिक आधार से प्रेरित हिंसा में 99 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कम से कम 703 लोग घायल हुए हैं। ये घटनाएं देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है। इनमें आसाम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल है। फैक्ट चेकर ने हेट क्राइम के डाटा एनालिसिस में पाया कि इसमें आधे से अधिक राज्यों में हेट क्राइम के मामले भाजपा राज्यों की सरकार बनाने के बाद हुए हैं। 12 राज्यों में से 8 राज्यों में भाजपा ने साल 2014 के आम चुनाव के बाद सरकारें बनाई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 अप्रैल 2014 से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक हेट क्राइम के सबसे अधिक 73% मामले अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। देश में मुसलमानों की आबादी 14% है, जबकि इस समुदाय के सबसे अधिक 61% लोग हेट क्राइम के पीड़ितों में शामिल है। वहीं देश में 11% आबादी ईसाई समुदाय से है। इस समुदाय के 2% लोग पीड़ित है। एक और रिपोर्ट हैरान करने वाली है। एमनेस्टी रिपोर्ट ने दावा किया गया है कि हेट क्राइम में बीजेपी शासित राज्य शीर्ष पर है। यह भी दावा किया गया है कि यूपी पहले और गुजरात दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि साल 2014 के बाद हेट क्राइम के मामलों में गोरक्षा सबसे आम कारणों के रूप में सामने आया है। फैक्ट चेकर डाटा के अनुसार पिछले साल में हेट क्राइम के ऐसे 77 मामले दर्ज किए गए। मई 2014 से 30 अप्रैल 2019 तक गाय से संबंधित हेट क्राइम के 124 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद हेट क्राइम के कारणों में सांप्रदायिक झड़प भी शामिल है। बता दें कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में न केवल हेट क्राइम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, बल्कि देश में हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज भारत ही भारतीय महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बन गया है। यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि मोदी सरकार ने महज 5 साल में देश और देश की जनता को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि भारत में फिर एक बार मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बननी चाहिए। हालांकि यह हेट क्राइम दिखने में तो धार्मिक लगता है, मगर ऐसा है नहीं। यह सारा हेट क्राइम राजनीतिक है। अल्पसंख्यक समुदाय में भय निर्माण करके बहुसंख्यक समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने वाला यह सारा मामला है। इसलिए बहुसंख्यक यानी बहुजन समाज ने अपने आप को इससे दूर रखना चाहिए और ऐसे किसी भी षड्यंत्रकारी या विभाजनकारी खबरों को नहीं फैलाना चाहिए। इससे खुद को सतर्क करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एमएन टीवी। धन्यवाद।